370 वीकनेस, धारा 370 देश के मुकुटमणि कश्मीर को कहीं न कहीं भारत के साथ जुड़ते हुए रोकने का एहसास। हम तो उस वक्त भी मानते थे कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, मां भारती का मुकुटमणि है, मगर धारा 370 कहीं न कहीं एक संदेश लेकर जाती थी, अभी भी कुछ अधूरा है। और 70 साल तक, 72 साल तक कांग्रेस की सरकारें जो वोट बैंक की लालच में नहीं कर पाई, मोदी जी ने 75 दिन के अंदर पूरा कर धारा 370 को समाप्त कर। 370 और 35 से हटना भारत की एकता और अखंडता के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर। अब कोई विघ्न नहीं रहा है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कामाख्या से लेकर कच्छ तक आज मां भारती आनंदित है कि मोदी जी ने धारा 370 और 35 को हटाया। और मैं आज जिनकी रैली से पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूं कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू और कश्मीर के विकास के लिए, लेह और लद्दाख के विकास के लिए जो कोई भी रोड़ा था वो हट गया है। और मोदी जी के नेतृत्व में लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर ये पूरा क्षेत्र विकास के रास्ते पर आगे बढ़ पड़ेगा, आतंकवाद से मुक्त होगा। मित्रों, धारा 370 हटाना अपने आप में बहुत बड़ा काम, और वो काम वो ही कर सकता है जिसके मन में वोट बैंक की लालच नहीं, वो काम वो ही कर सकता है जिसके मन में स्पष्टता हो। और मुझे गर्व है, मेरे नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी वोट बैंक की लालच में नहीं पड़े, उन्होंने हमेशा फैसले मां भारती के अच्छे के लिए, देश के अच्छे के लिए लिए। और आज 75 दिन के अंदर ही मोदी जी के इस पराक्रम के कारण 370 इतिहास का हिस्सा बन पड़ी है, 35 इतिहास का हिस्सा बन पड़ी है। मित्रों, ये इतना बड़ा काम मोदी जी ने किया है, कई सालों तक सरकारें चले तो भी कोई सोच नहीं सकता था वो मोदी जी ने 300 पार करते ही 370 वोट से 370 को हटाने का काम करेंगे। अभी अभी लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी जी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की घोषणा कर दी। कारगिल के युद्ध के समय से सेकटकर टास्क फोर्स ने इसकी सिफारिश की, सरकारें आई गई मगर फैसला नहीं कर पाई कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेनाओं को एकीकृत करने के लिए, तीनों सेनाओं के कोऑर्डिनेशन के लिए युद्ध के समय पर तीनों सेनाएं एक अंग बनकर दुश्मन के दांत खट्टे करे, इसलिए एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जरूरत थी। मगर बाकी सरकारें नहीं कर पाई। कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से घोषणा कर दी कि इस देश को जल्द ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिलेगा। मैं मानता हूं इससे हमारी रक्षा क्षमता अनेक गुना बढ़ जाएगा। थल सेना, नव सेना और जल सेना अलग अलग काम करते हैं तो उसकी अलग अलग शक्ति तो होती है, मगर एक ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नेतृत्व में तीनों सेनाएं एक अंग बनकर काम करेगी, ये दुश्मन के लिए ब्रज से कम नहीं होगी। ब्रज का आघात सहन करने की किसी दुश्मन में ताकत नहीं होगी। मित्रों, ये 75 दिन के अंदर ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देश के हर किसान को, गत टर्म के अंदर मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
छोटे किसानों के लिए करा था, अब छोटे मझले बड़े सभी किसानों को किसान सम्मान निधि पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने। हमारे देश के छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार, रिटेल ट्रेडर्स, कभी उनके लिए कोई सरकारों ने नहीं सोचा, नरेंद्र मोदी सरकार ने यही 75 दिन के अंदर उनकी पेंशन योजना को मंजूरी देकर किसान और व्यापारी, छोटा व्यापारी दोनों के बुढ़ापे की चिंता करने का काम किया है। सरकार के शपथ के साथ ही जल मंत्री, जल मंत्रालय का गठन किया, पानी पीने से लेकर किसान के खेत तक सब जगह पानी की हम जरूरत महसूस करते हैं। कई हिस्सों में ज्यादा पानी है, कई हिस्सों में पानी की कमी है, ये जल मंत्रालय सभी प्रकार के पानी के मैनेजमेंट का चिंता करेगा, उन नदियों को जोड़ने का भी काम करेगा, वो किसानों को माइक्रो इरिगेशन के क्षेत्र में भी ले जाएगा, वो बारिश के पानी को रोकने का भी काम करेगा, वो पानी कम खर्च करने के लिए जागरूकता बढ़ाने का भी काम करेगा, वो स्कूलों के अंदर स्वच्छ पानी मिले, हर घर के अंदर नल से पानी मिले 5 साल के अंदर, इसकी भी चिंता ये जल शक्ति मंत्रालय कराने वाला है। और ग्रामीण भारत के अंदर 25 लाख करोड़ का निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में करने का फैसला ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और मछली पालन के लिए बहुत बड़े फैसले लेकर एक अलग विभाग गठित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। हरियाणा के लिए भी बहुत कुछ किया है, मगर मैं आज यहां आया हूं हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर को साधुवाद देने के लिए आया हूं, बधाई देने के लिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो हरियाणा जमीनों के व्यापार के लिए जाना जाता था, जो हरियाणा की सरकारें बिल्डरों के हाथ की कठपुतलियां बनी थी, जो हरियाणा की सरकार में नौकरी एक व्यवसाय बन गया था, लेन देन का पैसा बन गया था, मनोहर लाल खट्टर ने एक ही टर्म के अंदर हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार को भूतकाल बनाने का काम कर दिया। मनोहर लाल जी, हम तो आपको कब से जानते थे, आप कुशल संगठक थे, पार्टी के अंदर संगठन बनाने वाले व्यक्ति की आपकी छवि थी, मगर आपको पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, आपने भ्रष्टाचार विहीन शासन कैसा हो सकता है वो दुनिया को दिखाकर हरियाणा का नाम पूरे भारत के अंदर गौरव के साथ लिया जाए, ऐसा करने का काम किया है। हरियाणा जो जातिवाद से ग्रसित था, एक आता था तो एक जाति की बात करता था, दूसरा आता था तो जातियों के समूह की बात करता था, हरियाणा के अंदर मनोहर लाल मुख्यमंत्री ऐसे आए, सब लाल जाने के बाद हमारा लाल आया, और ऐसा आया कि इसने जातिवाद को समाप्त करने का। नौकरियां जाति देखकर नहीं दी जाती थी, विकास जाति देखकर नहीं किया जाता, हर गांव के अंदर विकास पहुंचे, हर योग्य व्यक्ति को नौकरी मिले, जाति के बगैर, भ्रष्टाचार के बगैर आज 50,000 से ज्यादा युवाओं को घर में अपॉइंटमेंट लेटर देने का काम मनोहर लाल खट्टर ने किया। एक ट्रांसफर इंडस्ट्री चलती थी, ट्रांसफर करने के लिए लेन देन होते थे, कंप्यूटर के आधार पर, योग्यता के आधार पर ट्रांसफर कराकर मनोहर लाल जी ने हरियाणा के सभी लोगों को एक राहत का संदेश दिया। मुझे याद है मुख्यमंत्री बनने के बाद एक साल पहले मैं आया था, सारे विधायक और पदाधिकारियों ने मुझे पकड़ा था कि हमारे कहने से ट्रांसफर नहीं होते, मैंने कहा था कि मनोहर लाल जी आप हौसला रखिए, जो लायक है उसका ट्रांसफर होने चाहिए। भाजपा कार्यकर्ता अपने परिवार की बात करते हैं, भाजपा ने पूरे हरियाणा को अपना परिवार समझना चाहिए, और मनोहर लाल जी ने इसी तरह से काम किया है।
केरोसिन मुक्त राज्य। मैं गुजरात से आता हूं, आज भी पूरा गुजरात केरोसिन मुक्त राज्य नहीं हुआ है। मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा केरोसिन मुक्त राज्य बन चुका है। बहुत बड़ी उपलब्धि, भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंका और एडमिनिस्ट्रेशन के हर मायने में बहुत अच्छे काम। महिलाओं के पुलिस थाने जब खट्टर सरकार बनी दो थे, आज दो से बढ़कर 31 महिलाओं के पुलिस थाने बने हैं। महिलाओं के लिए बस की सेवाएं एक भी नहीं थी, आज 181 रूट सिर्फ और सिर्फ माताओं बहनों के लिए चालू करने का काम मनोहर लाल खट्टर ने किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लिंग अनुपात 871 पर था, देश में सबसे नीचे था। 5 साल के अंदर लिंग अनुपात 871 से बढ़कर 918 बने हैं, देश में सबसे ऊपर बड़े मैदानी राज्यों में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।